हाँ तुम? तुम तो 10 दिन बाद आने वाली थी ना? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गए। नहीं याद तो तुम्हारी भी मुझे खूब सता रही थी, लेकिन तुम फोन कर देते मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। हमने सोचा अचानक पहुंच के आपको हैरान कर देंगे, हैरान हो गए ना? हाँ। अब खड़े खड़े सारी बातें यही करेंगे क्या? अंदर नहीं बुलाएंगे? बैठो। हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने भी हमें याद किया। बैठो। पद्मा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए। मैं फोन करके गांव में ही बता देना चाहता था, लेकिन तुम आ गई हो तो दरअसल मैंने अरे आपने तो शादी का जोड़ा पहन रखा है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कौन है ये? आवाज कैसी? ये औरत मेरे कमरे में दुल्हन के रूप में, ये यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था, मैंने शादी मजबूरी में की है। 4 साल हो गए हमारी शादी को और तुम मां नहीं बन सकी। मुझे भी वंश बढ़ाने वाला चाहिए और मैं तुम्हें छोड़ थोड़े ही रहा हूं, मैं तुम्हें भी साथ रखने को तैयार हूं। तुम खुश रहो, मैं जा रही हूं। पद्मा मेरी बात तो सुनो। पद्मा, तुम पहले से शादीशुदा थे और तुमने मुझे बताया तक नहीं। दरअसल पद्मा मुझे बच्चा नहीं दे पा रही थी और फिर आज रात में तुम्हें बता ही देता। क्या कहा? आज रात बता देते और उस औरत का क्या? भाई साहब, ये अगली बस कब आएगी? पता नहीं, मैं कोई बस का टाइम टेबल हूँ क्या? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? काश मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे अपने कल की चिंता तो नहीं होती। भाई साहब। हाँ बोलिए। अगली बस कब आएगी? आपको जाना कहाँ है बहन जी? कहीं भी। कहीं भी? वैसे अगली बस आएगी अब से 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद? मुझे भी उसी से जाना है, इंतजार कीजिए आप। मैं तब तक चाय पी के आता हूँ। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे ये चोरी छुपे शादी रचाकर मुझे बेवा को बना लोगे? हरगिज नहीं। आज तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा है और मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। रहो तुम अकेले और रो अपनी किस्मत पर। प्रिया, प्रिया सुनो तो। प्रिया, 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 प्रिया सुन तो। प्रिया मेरी बात तो सुनो। बाहर में जाओ। प्रिया, हाँ जी मैडम, किसका इंतजार हो रहा है? कौन हो तुम लोग? चल हमारे साथ भी टाइम पास कर ले। छोड़ो मुझे।
मैं खुदगर्ज इंसान हूं, दो दो औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। शुक्र है भगवान का कि प्रिया के साथ मैंने सुहाग रात नहीं मनाई, पर पद्मा के साथ तो जीवन के पूरे 4 साल गुजारे हैं। क्या बात है बेटी, ये हालत किसने बनाई? रोना नहीं मेरी बच्ची, हिम्मत रखो। क्या हुआ मुझे बता। चुप बिल्कुल चुप, बैठ। मुसीबत किस पर नहीं आती मेरी बच्ची, हाँ? मैं तुम्हारी माँ बराबर हूँ, तो मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटी, पर ये तुम्हारा क्या दोष? दोष तो उन मर्दों का है जो हम औरतों को रास्ते का पत्थर समझते हैं। कहाँ होगे? अब तुम कहाँ जाओगी वापस? मायके? मायके? जब पति का घर ही अपना नहीं रहा तो मायके जाके क्या करूंगी? माँ बाप को उनकी इस उम्र में क्या दुख पहुंचाऊं? रोना नहीं, मैं भी कहीं जाने के लिए बस पकड़ने आई थी, पर भगवान को मुझे तुमसे मिलवाना था ना, इसीलिए शायद अभी तक बस नहीं आई। वो देखो, वो है मेरा घर। जब तक तुम्हें रहने की जगह ना मिले तुम मेरे घर में रह सकती हो। ये औरत इस शोभा के साथ यहाँ भी नहीं है, पद्मा कहाँ गई होगी? आंटी, 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 चाय। अरे वाह, तुमने तो चाय भी बना दी, काहे तकलीफ की, मैं खुद ही बना लेती। आओ बैठो। कोई बात नहीं आंटी। हे भगवान, 9 बजे सो गए, अब तक मैं सोती रही। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई। सुनो आंटी, मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए किसी से बात की है। सच आंटी? तुम्हें आज 11 बजे वहाँ पहुँचना है। जाओ अच्छे से तैयार हो जाना। हाँ बोलो शोभा। आज मैं एक नई लड़की को भेज रही हूँ। शाम तक तुम्हारे पैसे तुम्हें पहुँच जाएंगे। बाकी बात शाम को करेंगे। नई मकड़ी हाथ में लग गई। पैसे, पैसे। सेजी, मुझे शोभा आंटी ने भेजा है। आ गया। क्या नाम है तेरा? पद्मा। कुछ पढ़ी लिखी भी है या सिर्फ अंगूठा छाप है? पढ़ना लिखना तो नहीं आता। और कुछ काम धंधे का तजुर्बा है? वो भी नहीं। बच्चे कितने हैं तेरे?
एक भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल होता क्या है कि जिन औरतों के बच्चे होते हैं ना, उनका सारा ध्यान तो अपने बच्चे खिलाने में लगा रहता है, काम वाम नहीं कर पाती वो। वैसे तेरा खसम क्या करता है? पति, घर तो मैंने छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी बात है। अब तो ये समझ ले कि तेरी नौकरी पक्की। शुक्रिया सेठ जी। अरे उसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, और वैसे भी तू हमें अच्छी लग रही है। तू जरा हमारा बदन दबा दे, आज ही से तेरी नौकरी शुरू करवा देते हैं। ये क्या बदतमीजी? अरे ना ना, अब नखरे मत कर। क्या कर रहे तुम? अरे अब मानती है या सीधी तरह से मान जा मेरी बात। अरे अरे नहीं, तू तो जानते है ना, मैं जोर जबरदस्ती पर यकीन नहीं करती। मैं तो बड़े प्यार से समझाकर काम लेती हूँ। जब यहाँ तक आ गए तो ये सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ शुभांडी, शुभांडी, पता क्या हुआ? तुम तो सेठ जी के पास गई थी ना, फिर घबरा ही क्यों लौटी हो? बताओ क्या हुआ? बैठो, ये लो पानी पियो और फिर बताओ कि क्या हुआ। क्या हुआ? हे भगवान, कहीं वो सेठ मर तो नहीं गया? एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। बवाल? हाँ, पुलिस केस, मुकदमा, जेल। जेल? तुम घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दूसरी माँ। ठीक हो जाएगा। हम औरतें कमजोर नहीं होती, हमें इस दुनिया से डट के लड़ना है, हमें हार नहीं मानी है। अब से तुम मेरे साथ काम करोगी ना? हाँ आंटी। ठीक है ना? लेकिन पुलिस वाले यहाँ तक पहुँचे तो? जल्दी से चलो, वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मुझे बचा लो आंटी, मैं जेल नहीं जाना चाहती, बचा लो मुझे। तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो यहाँ से, हमें निकलना होगा जल्दी से। ले लो जल्दी से, जल्दी करो, चलो चलो चलो। पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं आ रही। जी माफ कीजिएगा जी, इनको आपने कहीं देखा है? भाई साहब, भाई इनको कहीं देखा आपने? बस भैया यही रोक दो। ये लो भैया। तुम सुरक्षित हो, मुझ पर भरोसा रखो, चलो ऊपर। मजा आ गया आज तो। आए हाय, अरे हमारी जान तेरे पे। चलिए आ मेरे पीछे। मौसी, अरे ओ मौसी। कौन है? अरे शोभा तू आ बैठ। दरवाजा खुला था सो आप ही चली आई। कोठे के दरवाजे कभी बंद होते हैं भला? ये तो हमेशा सबके लिए खुले ही रहते हैं। शोभा आंटी, कोठा अच्छी है, इसीलिए तो लाई हूँ उसी आपके पास। जमाने की सताई हुई बेचारी, वरना जमाने के दरिंदे से नोच खाते। इस उम्र में भी क्या क्या देख लिया बेचारी ने। यहाँ तो जमाने के सताए हुए ही आते हैं। क्या नाम है रे तेरा? ये क्या जबरदस्ती, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। छी, लानत है आपके ऊपर। अबे चुप, एकदम चुप। मैंने ही तुझे सहारा दिया, मैं ही तुझे यहाँ कर लेकर आई हूँ, वरना ये जमाने के दरिंदे तुझे कब की नोच खाते। एहसान मान मेरा एहसान, चल धंधा।
कर धंधा। अब ये जिंदगी है तेरी, चल अंदर। नहीं करनी मुझे धंधा। चलो तो मुझे नहीं चाहिए मुझे। आ इधर, इधर खींच के ले चल। लेके चल रहा है। नहीं चल। ले जा। छोड़ दो। छोड़ दो। चल अंदर। बहन जी, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई साहब, जी किसे ढूंढ रहे हैं आप? जी आपने इनको कहीं देखा है? ये शोभा जी के साथ एक बार देखा था। तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर है क्या? जी नहीं। शोभा जी रहती कहाँ है? वो तीसरे से अगला मकान लाल सज्जे वाला, उसी में रहते हैं शोभा जी। जी जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। यहाँ फिर ताला ही मिलना था। पता नहीं कहाँ होगी पद्मा। पद्मा? खाना खा ले। नहीं खाना मुझे। खाना नहीं खाएगी ना तो भूखे मर जाएगी, समझी? मर जाने दो, कम से कम ये सैलत की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। बेटा जरा सोच, यहां से बाहर निकलेगी ना तो वो दरिंदे तुझे छोड़ेंगे नहीं। पहले छोड़ा था क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कम से कम यहां रहेगी तो माल तो कमाएगी। मैं तेरे भले के लिए सोचती हूँ, मेरा कहना मान, लग जा इस धंधे में। और ये जो सिंदूर है ना, क्या कर दे, आया समझ में? रोने से काम नहीं चलेगा। देख पूरी लाई हूँ, छोले लाई हूँ, चावल लाई हूँ, खा ले। ये ले। खाना खाया उसने? कुछ भी नहीं, एकदम जिद्दी है ये। लगता है ये औरत ऐसे बाज नहीं आएगी। इसके साथ सख्ती करनी ही पड़ेगी। तुम चिंता मत करो मौसी, मैं दर्जनों लड़कियां धंधे पर लगा चुकी हूँ और इन्हें भी। वो तो मैं जानती हूँ, पर ये बता कि पद्मा कहाँ मिली तुझे? अब ये मत पूछो मौसी। एक मैं और दो दो चंडाल, बस हाथ लग गई पद्मा। देख तेरे लिए कैसा गबरू जवान लेके आया हूँ। ऐश कर। क्या बात है, शादीशुदा औरत हूँ, मुझे यहाँ फंसाया गया है, मैं धंधा नहीं करना चाहती। अच्छी है। वाह क्या पटाखा है। मानव आ जा। यारे क्या हालत बना रखी है तुमने यार। मानव तुझसे एक बात कहनी थी यार। बोलना।
यार यार तुझे तो पता ही कि मैं थोड़ा याश के साथ हूँ। पिछली बार जब मैं शन्नो मौसी के कोठे पर गया था तो यार मैंने वहां पे पद्मा भाभी को देखा यार। कोठे पर क्या बकवास कर रहे हो तुम होश में तो हो ना? हाँ यार मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तुम मुझे अभी उसका पता दो। अगर उन्हें पता चल गया कि तू पद्मा का पति है तो तुझे वो लोग कोठे के आसपास भी फटकने नहीं देंगे। तो मैं क्या करूं? एक तरकीब है यार। तो बताना, जल्दी बताना। तू वहां पे ग्राहक बन के जा। नया बकरा है यार। कहां चला जरा इधर तो। अरे और राजा आये, मिया आये, बैठिए। कैसे मिजाज हैं आपके? पान खाना पसंद करेंगे आप? जी शुक्रिया। कौन सी मदिरा पीना पसंद करेंगे आप? गोरी या सांवली? जी सुना है यहाँ पद्मा नाम की कोई औरत है, वही चलेगी। पद्मा? वाह मिया, क्या पसंद है आपकी? बड़े मचे हुए खिलाड़ी मालूम होते हैं आप। चलिए रोकड़ा निकालिए रोकड़ा। अरे वाह, इसमें एक और मोतियों का हार तो आ ही जाएगा। क्यों, या फिर सोने का? अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं? जाइए मिया जाइए। सीधा अंदर। तुम? बेवकूफ कहीं का, चार गुना ज्यादा पैसे दे गए। क्यों, अब अपनी पत्नी को खरीदने आए हो? मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, लेकिन वादा करता हूं कि अब से तुम्हारा सहारा बनकर रहूंगा। तुम्हारा पति हूं और पति होने का हर फर्ज निभाऊंगा, तुम्हारी सिंदूर की कसम। मैं भले ही बुरा इंसान साबित हुआ, लेकिन सुबह का बोला शाम को लौटाए तो वो भूला नहीं कहलाता। बस एक बार घर लौटा पद्मा, हम फिर से प्यार भरी दुनिया बसाएंगे। उस दुनिया में खुशियां ही खुशियां होंगी। बच्चे की आस ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अब बहुत देर हो चुकी है। ये देखो मेरे नेल पॉलिश, ये लिपस्टिक, ये खुले बाल। देर कभी नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। लेकिन मैं तो बाज हूं ना। बाज तुम नहीं हो, बाज तो मेरी सोच थी जो तुम जैसी नेक औरत को इस दलदल तक घसीट लाई। मैं तुम्हें ले चलूंगा घर अपने। मुझे इस नरक से निकलना है। मैं बहुत जल्द आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अरे मिया कैसा रहा? जी बहुत जल्द वापस आऊंगा। खुश? तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तेरा लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख। यहां से छूटते ही मैं सबसे पहले पढ़ना लिखना सीखूंगी। अगर मैं शिक्षित होती तो इस नर्क तक कभी नहीं पहुंचती।
चल चल। मैं तुम्हें ले चलूंगा घर अपने, मैं बहुत जल्द आऊंगा। धंधे का पर्दाफाश हो गया। लेकिन आप ऐसे कैसे? सिपाहियों, इन्हें हिरासत में लो। आप मत लगाना। चलो यहाँ से, चलो, चलो, ए बाहर, बाहर निकलो, बाहर निकलो। चलिए आप लोग भी आइए। ये घर तुम बिन कितना सुना सुना था, अब तुम आ गई हो तो ये घर फिर से चहक उठेगा।